हेलो गाइस, आज है नेक्स्ट डे क्योंकि मैं रात में व्लॉग नहीं कर पाई, काफ़ी लेट हो गया था। 12 बजे हम लोग वापस आए थे गुसाईगंज से। सो अभी मैं हूँ अपने सिस्टर के साथ और भाई के साथ और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कुछ शॉपिंग बची हुई है आज, जैसा कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर की शादी है 19 नवम्बर को, तो उसके लिए शॉपिंग काफ़ी हद तक हो गई है और कुछ शॉपिंग बची हुई है। तो आज मैं निकली हूँ शॉपिंग को कंप्लीट करने के लिए, होप सो कि मैं उसको पूरा कर पाऊँ। और ये है भैया, तो अभी मैं हूँ फैजाबाद में चौक मार्केट में। सो मैं अभी चलती हूँ आगे और कंटिन्यू मैं क्या क्या लेने वाली हूँ ये भी आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी। ये है हमारा चौक मार्केट। चलो, तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं वो लोग भी आ गए जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, तो हम लोग अब जा रहे हैं अंदर शॉपिंग करने। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ। सो हम लोग पहुँच गए हैं राज सतंग और चलेंगे शॉपिंग करने। हम लोग को लेने हैं सूट्स क्योंकि साड़ियों की शॉपिंग हो चुकी है। कपड़े की शॉपिंग करने के बाद कॉस्मेटिक सामान चिकन है चिकन है। सो कॉस्मेटिक की दुकान से हम लोग निकल के, यहाँ पर्स की दुकान है अंदर अंडरग्राउंड में, होल सेल मार्केट है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे अच्छे वेराइटीज़ हैं पर्स की, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हैं पर्स ढेर सारी। सो मेरी सिस्टर लगी हुई है, पसंद कर रही है अपना पर्स। ये देखिए बहुत सारी वेराइटीज़ है और काफ़ी अच्छा रेंज है। और ये देखे, ये है मेकअप बॉक्स, चूड़ी केस, पर्स। सो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पर्स लेने के बाद अब हम लोग आए हैं इसे शेरवानी की शॉप पे, जो कि बड़ी सुंदर सुंदर शेरवानी है। ये देखिए, और ये पूरा सेट है, इसका दुपट्टा है। सो कुछ सामान यहाँ से लेना है, यहाँ से लेने के बाद हम लोग निकलेंगे चूड़ी के लिए, क्योंकि साड़ियाँ भी हो चुकी हैं, सूट्स भी हो चुके हैं, अब लेना है हम लोगों को उसका सेट। बहुत प्यारा लग रहा है ये सिंदूर रखने वाला, ये उसका ढक्कन है ऊपर का, और मगर और ये इसमें सिंदूर रखने के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है मेन मार्केट चौक का, और अब हम लोग जा रहे हैं साड़ी का चूड़ी लेने। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, बट हम लोगों ने सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है और ये जा नहीं रही है, पैसे मांग रही है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं चूड़ियों की शॉप पर, जहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ देख रहे हैं शाम मार्केट। और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत से सेट्स बनाए गए हैं चूड़ियों के, मैं अभी आपको देख रही। पहले भी मैंने अपनी शादी की शॉपिंग यहीं से की थी, काफ़ी अच्छे सेट्स बनाए थे इन्होंने। सो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं आके लिया जाए, और बहुत रिजनेबल प्राइस भी होती है इनकी। सो मैं अभी अंदर हूँ और मैं अभी बाहर निकल के आपको जो भी सेट्स हम लोग बनवा रहे हैं चूड़ियों की, मैं आपको वो शो कराऊंगी। फिलहाल के लिए ये देखिए कितनी प्यारी सी है, येलो कलर की साड़ी है, और ये है उसका सेट जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये है हम लोग का पूरा चूड़ी का सेट बन गया, और ये है इनकी चूड़ियाँ जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो सारे डेकोरेशन के सामान मिल जाते हैं।
तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस कुछ खाने, एंड ऑफ पेट पूजा फर्स्ट है, बहुत घूम लिए, थक गए सब लोग। अब सब लोग अच्छे से, ये बहुत ही पुरानी शॉप है, यहाँ पे गोलगप्पे टिक्की छोला भटूरा बहुत अच्छा मिलता है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, हम लोग पहुंच गए हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पे एंड छोला भटूरा। ये है टिक्की, बहुत मस्त लग रहा है देखने में, अब हम लोग इसको खाएंगे। ज़्यादा हंसने की वजह से इनका चश्मा टूट गया, तो अब हम लोग चश्मा के शोरूम पे, हाँ शोरूम पे, यहाँ से हम लोग फ्रेम लेके जाते हैं। फ्रेम की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शीशे की पूरी गारंटी देते हैं। और भैया ने चश्मा भी, चश्मे का फ्रेम चेंज करवा दिया है, और एक और एक्स्ट्रा खर्चा था। खैर अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। तो आज है मेरी ननद का बर्थडे, और मैं उसके लिए आई हूँ सूट लेने, और मेरे को ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है, बनारसी सेट में है। और एक सूट मैं लेके गई थी, गाइस मैं दिखाती हूँ ये, बट ये साइज़ का इश्यू हो गया, तो मैं नेक्स्ट सूट लेने आई हूँ। इसका ये दो कलर है, गाइस मैं घर पहुंच गई हूं, और दीदी को कपड़ा बहुत अच्छा लगा। सो अब मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय गाइस।